हाँ हाँ फोटो खींच रहा हूँ तेरी, खींच रहा हूँ, मुझे पता है जब बर्थडे गिफ्ट यू लुक लाइक हबीबी फ्रॉम दुबई, हबीबी फ्रॉम दुबई। ये तो रिचा छोड़ती नहीं, जहाँ भी जाएगी तो पता है। हेलो यू आर इन अ वीडियो। दीज आर एक्चुअल केव्स गाइस, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ना, इसके ऊपर हम चल रहे हैं। मुखर्जी पूरा खा भी गई, एक बार पूछा भी नहीं है कि सौरभ तुम भी ट्राई कर लो। बैक टू रिच एंड सौरभ वर्ल्ड। तो आज यार हम लोग निकले हुए हैं, मतलब टर्की में घूम रहे हैं ना, तो आज हम जा रहे हैं ग्रीन रूम में। हमारा नेक्स्ट डे अभी स्टार्ट हो रहा है, बहुत एक्साइटेड है बिकॉज आज बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने वाली है। एक तो मतलब ट्रैक क्रूप करना है, तो इनके लोकल विलेज में जाएंगे, इनका वहाँ पर लोकल खाना आज ट्राई करने वाले हैं। तो मेरे को नई चीज़ एक्साइटेड, मतलब ट्राई करने के ना बहुत एक्साइटेड हूँ। हम लोग अपनी बैठ चुके हैं, वाह ये तो अपनी यदि फीलिंग हो रही थी। कौन सी बता, ये तो वो दे रही जैसे हम लोग किसी लिमोजी में बैठ जाते हैं। तो वही यहाँ पे हम लोग बैठ गए, अभी हम निकल रहे हैं अपने ग्रीन टूर के लिए। नाइस नाइस कार। तो हम लोग आ चुके हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। ओहो वाओ नाइस, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। भाई यहाँ से देखो केव के नजारे। तो ये इन्होंने छोटे से पॉइंट लगाए हुए हैं, ये इनकी कल भी हमने दिखाया था आपको, कल की परसों वाली वीडियो में, कि ये इनकी गुड लक आई होती है साथ में, ये लोग इसको मतलब काफी लकी समझते हैं। एंड दिस इज द व्यू ऑफ द केव्स। तो ये अपनी ट्रिप का ना पहला पॉइंट है पूरा यहाँ पर। हाँ हाँ फोटो खींच रहा हूँ तेरी, खींच रहा हूँ, मुझे पता है। नहीं फोटो खींचे बिना नहीं जा सकते हम लोग। तो ये मतलब लावा के वॉल्केनोस काफी हुए थे यहाँ पर, तो वो हिस्ट्री बता, वही हिस्ट्री बता रहा हूँ कि काफी वॉल्केनोस आए थे, तो इसके चक्कर में ये सारे केव्स। और ये लोग ना स्टार्टिंग टाइम में ऐसे इन केव्स के अंदर रहते थे, ये केव्स के अंदर। हाँ कहते हैं एक केव गिर गई थी, लोग तीन फैमिली मर गए थे, उन्होंने गवर्नमेंट फिर बैन कर दी यहाँ पर रहना। थोड़ा आगे टर्किश वाइब्स की फीलिंग ले रहा है यार, कोई कप कुप लेके जाने हैं पर प्रॉब्लम मत है, पर तो बचेंगे नहीं, हाँ फ्लाइट में टूट जाने हैं। मदानी के क्या करना तुमने, मेरा नहीं विश्वास, कल से ना सुबह से लेकर शाम तक बस यही चल रहा है। अंदर अगर जूस ट्राई कर लिया क्योंकि फ्रेश मिल रहा है ना। हाँ यार ये जूस है इनके, जूस में चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना मीठा है ना इनका फल। यस गाड़ी हमारी वेट कर रही है तुम्हारी, चलो तुम भी। नेक्स्ट स्टॉप इज हनी आर्ट सेंटर, गोल्ड सिल्वर जेमस्टोन एंड ज्वेलरी। एक क्या हुआ, क्या दूंगा टूर इसका। अच्छा तुम टूर गाइड हो, जो मुझे सोना चांदी दिलवाओ यहाँ से। यहाँ पे हो रही है सारी मेकिंग, ये कह रहे हैं कि इनकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है ना ये। सही है, सौरभ कह रहा है ये तो मेरे शहर में चक्री बाजार में मिलती है। कहते हमारे अमृतसर में एक चक्री बाजार है। ओहो सौरभ चलो दिलवाओ इधर इधर, ये वाली ये मोटी वाली। मैं सौरभ मुझे दिलवा नहीं रहा, वो भाग रहा है पीछे पीछे। वाह ये एक दिलवा दो, जब बर्थडे गिफ्ट। सौरभ प्लीज सीरियसली आई नीड वन, आई नीड वन। यार पता क्या है, लेने का बहुत मन है बट समझ नहीं है इसकी क्या सही है क्या गलत है क्या नकली है। आर्ट सेंटर से होते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं पिजन वैली। ये है कैपेडोशिया का एक मेन पॉइंट जहाँ पे लोग आते हैं पिछले दर्शन करते हैं। ये मुझे वैसा ही सही लग रहा है ना जो पिछला देख के आए, सबसे पहला वाला पहले उस तरफ से देखा था अभी। अच्छा पहले उधर से लग वैसा ही, वैसा ही बोल रहे हो। यहाँ पे कैमल है, छोटू सा पोनी है, जो हमने याद है यूके में जब गए थे घूमने, पिजन वैली बोलते हैं। देखिए आप इतने सारे पिजन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पिजन घूमते रहते हैं, इसलिए इसका नाम पिजन वैली। और बोला जाता है कि पुराने जमाने में जो राजे महाराजे थे वो पिजन्स को कम्युनिकेशन मेथड के लिए यूज करते थे, इसलिए इसका नाम पिजन वैली रख दिया। हमारा जो गाइड है उसने बताया है कि जो पिजन वैली है ना, कहते पिजन्स क्यों ये लोग इतना मतलब रखते थे, क्योंकि उसका फर्टिलाइजर कहते बड़ा ही कमाल की चीज़ है, लाइक काफ़ी ज़्यादा मतलब इस्तेमाल किया जाता था। एंड दूसरा कह रहे कि यहाँ की कैपेडोशिया की जो वाइन है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी वाइन है, 5000 ईयर ओल्ड यहाँ पर थी। दूसरा वो लोग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते थे वो वाइन इजिप्ट में, हम इजिप्ट भी गए थे 3-4 साल पहले, तो हम लोगों ने वहाँ बड़ा सारा लोकल ट्राई किया था, बट नेवर हर्ड अबाउट की वाइन जो थी वहाँ की जब की वो कैपेडोशिया से ही ट्रेड होके आती है। पुराने टाइम में ना, पुराने टाइम की है, आज के टाइम में तो पूरे वर्ल्ड से आ रही है। नहीं पर वो कह रहे थे अभी भी जा रही है, पिछले काफी लोग चल रहा है अभी तक है। तो पिजन्स का तो मुझे पहला पता चला कि उसका फर्टिलाइजेशन यूज किया जाता है, इससे वेरी कहते हैं कि
गुड थिंग टू यूज और आफ्टर बैड फर्टिलाइजर पिजन आर द सेकंड बेस्ट फर्टिलाइजर. ओह वाओ, तो हमारा जो नॉलेज, हाँ हमारा जो टूरिस्ट गाइड है ना वो काफी नॉलेज दे रहा है हिस्ट्री को लेके. तो अब जाके रिचा जाके इंडिया जाके पूरी खेती बाड़ी करेगी. प्रॉपर आइसक्रीम मैन. ये क्या है? ये डालना है मेरा हबीबी. You look like a habibi from Dubai. Habibi from Dubai. No, actually, it reminded me for Dubai. अभी सौरभ टर्किश वाइज लेने वाला है, आइसक्रीम बैन बनने वाला है. ओ डूंडा आइसक्रीम आइसक्रीम. तो मैडम जी अब शॉपिंग करने आई हैं. कैसी लगी? ओके है, नॉर्मल टोपी. तो ये अजीब लगी कांटों की शॉपिंग. ये तो रिचा छोड़ती नहीं, जहाँ भी जाएगी तो पकड़ के. मैंने हैंडमेड बताया है, मुझे लगा चलो देना चाहिए. ओह माय गॉड, कितने को लगता है हैंडमेड है? हां मैंने बोला वेरी गुड. ये हैंडमेड है यार. तो भाई ये मुझे मिले हैं 40 लीरा अप्रोक्सीमेटली 150 रुपए. बट आई नीड टू सपोर्ट द लोकल पीपल. मुझे बड़ा अच्छा लगता है छोटे छोटे जगह पे जाके सर की थोड़ा साइडों के अंदर बैठो. तो नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर अंडरग्राउंड सिटी टूर. ये अंडरग्राउंड सिटी का ना टिकट लगता है, बट ये टूर में इंक्लूड होता है. ग्रीन टूर में इन्होंने पहले से लेके रखी होती है टिकट. अंदर का टेम्परेचर 15 डिग्री. हाँ, मिट्टी ऐसी बनी हुई है ठंडी, मेरे को अंदर ठंड लग रही है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट लेवल ऑफ द अंडरग्राउंड सिटी. और यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बताई है हमारे गाइड ने कि ये जो जगह बनी हुई है ना, ये बेसिकली एनिमल्स को बांधने के लिए बनाई हुई है. जैसे कि यहाँ घोड़ा बांधता है और इधर उसका फीडिंग, इधर उसको टाई कर दिया. तो वेरी गुड थिंग्स. अभी सबसे पहले हम अंदर जा रहे हैं, लेवल नीचे जा रहे हैं. और सबसे पहला पहले अभी कहाँ जा रहे हैं? हम चर्च वाली साइड में. तो बहुत यहाँ पे करते होंगे फर्मेंटेशन. हाँ वो कह रहे कि देखो इतने, उन्होंने ही बोला है कि हमारे पास भी इतने कोई पुराने रिकॉर्ड नहीं है. बट ये एक उन्होंने टेंटेटिव अजम्पशंस है कि इन्होंने उसी हिसाब से बना दिया हुआ है. चलो सोचते जाओ, अजम्पशन करते जाओ. So there is always one hole carved in the middle. You can easily approach the enemies. Oh. तो हमारा अंडरग्राउंड सिटी का टूर भी हो गया. 25-30 मिनट का था गाइस. काफ़ी अच्छी नॉलेज देखने को मिली. एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें समझ आई है जो मैं आप लोगों के साथ बाहर जाकर शेयर करती हूँ. दे पीपल मैनेज कि जैसे कि टॉयलेट का जो सीन था अंडरग्राउंड में और साथ में इकट्ठा करके ना लाइम स्टोन होता उसका पाउडर उसके ऊपर डाल देते थे. हाँ, सारा सूख जाता था. हाँ, फिर उसको जैसे कोई सीक्रेट टनल्स के थ्रू तो बाहर फेंक आते थे. हाँ, और एक चीज और ने बताई कि जो यहाँ पे हम लोग ये लोग दिए वगैरह जलाते थे ना उसके लिए एक स्पेशल तेल बनाते थे, फ्लेक्सी सीड्स. और फ्लेक्सी सीड्स का जो ऑयल है ना उससे क्या होता है, धुआं नहीं होता. और सैटिन सीड्स कुछ बता रहे थे, दो सीड्स को मिक्स करके ताकि उसका जो वैक्स है धुआं उसको जलाते थे ना तो उससे क्या होता धुआं नहीं होता और बहुत अच्छी स्मेल देती थी. तो ये बड़ी सारी चीजें हमारे गाइड ने हमें मतलब बताया. और ये हमारा चौथा जूस है दिन का. इतने ओरेंजेस, ऑरेंज भी कहेगा छोड़ दे मुझे पक्ष दे. यहाँ से हम करने वाले हैं थोड़ी सी ट्रैकिंग. ये हमारा पूरा ग्रुप है और सौरभ इधर गया, ये रहा.
भाई आधे पौने घंटे की नींद ले ली हमने गाड़ी के अंदर, क्योंकि यहाँ तक पाने में आधा पौना घंटा लगा था, क्योंकि ये एक छोटा सा विलेज है जहाँ हम जाने वाले हैं, रिवर साइड विलेज, और वहाँ पे हम लंच करने वाले हैं। सो गोना बी एक्साइटेड। पानी की आवाज आ रही है जो रिवर के अंदर बहता हुआ पानी है, प्लस उसमें छोटे छोटे पंछियों के चहचहाने की आवाजें आ रही हैं। इवन दो इट्स लंच टाइम, बट इतना प्यारा लग रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कहीं और ही अलग जगह में आ गया है। देखो गाइस ये नेचर, मतलब पता ही नहीं है कौन सा रास्ता है। ये आ चुके हैं ब्रिज पे, ये रास्ता कुछ नहीं, मतलब किधर से आए किधर से जाएंगे, गाइड लेके जा रहे ना, पहुंच गए अपने प्लेस पे। ये रहे बच्चे खेल भी रहे, ये तो इंडिया के गाँव की जाती है अभी सारा बच्चे हलीवाल पिंग। सो द मेन कंसर्न इज कि इन्होंने रिवर के ऊपर ऐसे टेबल लगाए हुए हैं, लोग वहाँ बैठ के खाना खाते हैं। तो जैसे ये देखो, ये प्राइवेट भी आप अपना ले सकते हो अगर आपको रिवर के एग्जैक्टली ऊपर बैठ के खाना खाना है, या फिर आप इधर रिवर साइड पे बैठ के खा सकते हो। तो वट एवर द वे यू, तो रिवर साइड पे हमारी पहली जो आइटम है वो आ चुकी है, लेंटिस पॉट। नहीं अच्छा, ओके, चीयर्स टू माय फिफ्थ यूज। Hello, you are in a video. Hi. Hello, guys. Cheers. Ilara Valley. Is that silent? Ilara Valley. वही था। सही चीज़ है यार। ये ऊपर चढ़ना है इसके। आज का दिन बहुत ट्रैकिंग हो गई है। अभी हम जा रहे हैं वो ऊपर वाली केव पे। कुछ तो सौ रुपये जहाँ तक माता रानी लेके जाएगी। These are the actual caves, guys. जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ना, इसके ऊपर हम चल रहे हैं। कितनी यार, ऐसे सही बताओ ना, इंडिया वाले पहाड़ों जैसे ही काम है बस। कुछ अलग नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, मेरे हाथ पकड़ो मामा, जी जी जी, मेरा पैर मुड़ गया। आ जाओ, इजिप्ट वाली वाइब्स दे रहा है ये जॉर्डन, और इजिप्ट वाली वाइब्स दे रहा है उसका भाई बहन है टर्की। वैसे इस्तानबुल नहीं है ऐसा बिल्कुल भी, इस्तानबुल जब हम गए थे दैट्स अ टोटली डिफरेंट ना। एक न्यूज़ आई है कि बहुत विंडी हो गया है आज, और कल के होटल बलून सारे कैंसिल होने वाले हैं। आज हमारे साथ भी यही हुआ था कि जब हम लोग की होटल बलून लाइट खत्म होने वाली थी उस टाइम पे विंडी हो गया था काफ़ी, तो हमारी लैंडिंग में बहुत प्रॉब्लम आई थी। लास्ट स्टॉप इज स्पाइस शॉप, टर्किश की जो अच्छे अच्छे डिलाइट्स हैं, स्पाइसिस हैं, वो हम ट्राई करने जा रहे हैं। टर्किश का रोज ऑयल बहुत ही अच्छा है, दिस इज गुड फॉर योर स्किन, योर नेल्स एंड हेयर्स। ओके सौरभ, सौरभ लेट्स पे फॉर दिस वन, आई एम टेकिंग दिस वन। ओके, वेयर टू पे? तो ये मुझे पड़ा है अप्रोक्सीमेटली 20 यूरो। यहाँ सामान तो बहुत है लेकिन इतना फ्लाइट में लेके जाने की जगह नहीं है। वैसे तो यहाँ पे स्पाइसीज है, टर्मरिक वगैरह भी पड़ी हुई है, कोरिएंडर, सिनेमन, टर्मरिक है हमारी इंडिया की हल्दी। वी आर बैक इन द डाउनटाउन सिटी, तो यहाँ पे ना लोग इसको डाउनटाउन बोलते हैं अपना कैपेडोशिया का, क्योंकि आज हमारे नहीं, थैंक यू। तो अभी हम लोग वापस अपना चेहरा वहरा कहते ना हमारे पंजाबी में बोलते हैं बूथा ठीक करके ना हम लोग आ गए, थोड़ा सा बेस बूस ठीक कर लिया और जा रहे हैं डिनर की खोज में, क्योंकि मेरा ना मन कर रहा है कुछ चाइनीज खाने का। हम लोगों को ना यहाँ पे कॉफी हाउस मिला है, सोच रहे हैं एक एक कॉफी पी ले। कॉफी पीनी है? कॉफी सोच रहे हैं, ऊपर जाके कॉफी पी सकते हैं, क्या बोलते हो? सो वी डिसाइडेड टू गो टू पैकिंग चाइनीज टुडे। सौरभ ने फाइनली पैकिंग जोड़ ही लिया चाइनीज है। आई हैव अ चाइनीज टीम की बहुत अच्छी होती है, एंड यार व्यू इज अमेजिंग, ये ना बहुत रिलैक्सिंग होती है यार। मतलब मैंने पहले भी दो तीन बार पी थी, उसके बाद कभी मौका ही नहीं मिला। बॉम्बे में नहीं, लंदन में पी थी जब हम किसी कोई बर्थडे सेलिब्रेशन पे गए थे, तो चाइनीज टी ट्राई की। तो चीयर्स, सौरभ ने ट्राई कर रहे हैं, सौरभ एप्पल टी, आई एम ट्राइंग माई चाइनीज टी, ईटिंग अवर स्प्रिंग रोल फर्स्ट। चलो टर्की का भी ट्राई करते हैं, स्प्रिंग रोल कैसा है? इंडिया का तो बड़ा खाया है। इंडियन स्प्रिंग रोल है ना? ये कैसा है? स्पाइसी नहीं होगा ज़्यादा है ना? तभी चंगल से पता है कम्स माई नूडल्स, जो मैं कब से बोल रही हूँ सौरभ, नूडल्स नूडल्स, चाउमीन चाउमीन अपना क्रेविंग पूरा करने, और यहाँ पे बढ़िया यार व्यू है। सौरभ शुगर अवॉइड कर रहा है, उसने ऑलरेडी बहुत शुगर खा ली है, तो वो अभी शायद नहीं खाएगा। मैं बकलावा खाऊंगी,
और टर्किश डेजर्ट इंजॉय करूंगी। ही इज कमिंग। हेलो मैडम। हेलो हेलो सर। ओह नाइस बकलावा। मुखर्जी जी पूरा खा भी गई, एक बार पूछा भी नहीं है कि सारा तुम भी ट्राई कर लो। सुबह से खा लिया ना। हां हां। सुबह एक छोटा सा बकलावा ट्राई किया था किसी दुकान पे, वो भी टेस्टर पीस, ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरा पीस दिया था। तुम खुद ही शुगर अवॉइड करो, मैंने तो खा नहीं तुमको। कोई बात नहीं, तुम्हारी डाइटिंग तुम्हें पता होगा, इसका भी बदला लिया जाएगा। बैक टू होम, ओह सॉरी, बैक टू होटल। तो गाइस अभी हम आप लोगों को बोलते हैं भाई बहुत थक गए यार, अब बस सो जाना है। टुमारो वी विल बी फ्लाइंग बैक टू लंदन। बाय बाय, गुड नाइट।